मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा होगा। जो एमए इन इकोनॉमिक्स करता हो या पीएचडी इन इकोनॉमिक्स उसने किया हो, उसको सारे सिद्धांत जो पढ़ाए जाते हैं वो पश्चिमी विचारकों के सिद्धांत हैं। एक भी हिंदुस्तानी अर्थशास्त्री विचारक का कोई सिद्धांत अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ाया जाता। इस देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री विचारक जो माना जाता है वो चाणक्य है। चाणक्य का एक भी सिद्धांत एमए इकोनॉमिक्स में नहीं है, बीए इकोनॉमिक्स में नहीं है, इंटरमीडिएट में नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, उसके पहले भी कहीं नहीं। सारे के सारे पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत। इसी तरह से एक दर्शन शास्त्र विषय पढ़ाया जाता है, फिलोसॉफी, पूरा का पूरा फिलोसॉफी भरा पड़ा है पश्चिमी विचारकों से। देकार्ते का थ्योरी पढ़ लीजिए, लेबनिज का थ्योरी पढ़ लीजिए, अरस्तु का थ्योरी पढ़ लीजिए, और या सुकरात का थ्योरी पढ़ लीजिए। और उनके थ्योरीज जब मैंने पढ़ने शुरू किए तो इतनी हंसी आती है कि ऐसे मूर्ख विचारकों की थ्योरीज अगर हम पढ़ते हैं तो हम मूर्ख ही पैदा होंगे, अकल वाले तो हो नहीं सकते। आपको एक छोटा उदाहरण दूं, सुकरात का नाम आपने सुना है, द ग्रेट ग्रेट फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे पश्चिमी समाज का सबसे बड़ा विचारक और दर्शन शास्त्री। और उसके बाद अरस्तु का नाम आपने सुना है। दोनों की एक मान्यता सुनना ध्यान से और फिर सिर पीटना अपना कि अगर यही महान दर्शन शास्त्री हैं वो, तो फिर हमारे सबसे खराब दर्शन शास्त्री उनसे अच्छे। दोनों स्वामी जी कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती। ध्यान से सुनना इसको, माताएं बहनें और ज्यादा ध्यान से सुने इसको। अरस्तु कहता है और ये सुकरात अरस्तु दोनों कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती। स्त्री ऐसे होती है जैसे मेज या कुर्सी, कुर्सी और मेज को कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है, स्त्री को भी कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है। ये दर्शन है सुकरात का, ये दर्शन है अरस्तु का, जिस पर हमारे यहां बड़े बड़े लोग पीएचडीज करते हैं। और एक जगह तो सुकरात इतनी खराब बात कहता है, स्त्री ऐसे होती है जैसे कोई कपड़ा, जब जरूरत पड़ी उतार के फेंक दिया, जब जरूरत पड़ी पहन लिया। और अरस्तु तो उससे भी एक कदम आगे जाके कहता है कि कपड़ा शरीर पर हमेशा नहीं धारण किया जा सकता, इसलिए स्त्री को भी हर समय साथ में नहीं रखा जा सकता। आप इससे भी ज्यादा सिर पीटेंगे, कोई नहीं, कोई नहीं। ये सुकरात के विचार हैं, ये अरस्तु के विचार हैं। और अरस्तु और सुकरात ये दोनों कहते हैं, इन दोनों की मान्यताओं को आज तक पश्चिमी समाज खंडित नहीं कर पाया। लेबनिज भी वही कहता है, देकार्ते भी वही कहता है, और उसके बाद के सारे फिलोसोफर्स यही मानते हैं। इसलिए महिलाओं के प्रति पश्चिमी समाज में कोई आदर भाव नहीं है। महिला वस्तु की तरह है, इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो, फिलोसफी में से आया। कोई भी जीवन दर्शन जो है ना वो फिलोसफी से निकलता है। एक मूल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी सभ्यता दर्शन में से निकलती है। समाज का जैसा दर्शन होगा सभ्यता वैसी ही बनती चली जाएगी। पश्चिमी समाज का दर्शन स्त्रियों के बारे में ये है कि स्त्री वस्तु की तरह से है, उसमें आत्मा नहीं है। आपको एक जानकारी दूं, सन 1950 तक ब्रिटेन में, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, सन 1950 तक ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में और डेनमार्क में, इतने देशों में सन 1950 तक किसी भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। आपको मालूम है ये बात? अमेरिका में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 1952 के बाद मिला। और सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका के किसी भी देश में स्त्रियों को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था। बैंक अकाउंट या तो उसके पति का हो सकता है, या उसके बेटे का हो सकता है, या भाई का हो सकता है, किसी महिला का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता।
और 1950 तक पूरे यूरोप और अमेरिका में कोई स्त्री घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती, भले बाहर जाना हो तो 4 साल के पिद्दी से भाई को साथ लेना पड़ेगा, भले वो लड़की 20 साल की हो। 4 साल का भाई है उसका, जो कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, वो उसके साथ जाएगा, वो अकेली नहीं जा सकती। इतनी पाबंदियां महिलाओं पर लगाकर रखी है पश्चिमी समाज ने, इसलिए वहां पर विमेंस लिबरलाइजेशन नाम का आंदोलन चला जो सैकड़ों साल तक चला। और उस आंदोलन की थोड़ी सी सफलता मिली कि 1952 में आके कुछ देशों ने वोट देने का अधिकार दिया, 1957 में आकर कुछ देशों में स्त्रियों में बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार मिला। और आपको मालूम है अभी 20 साल पहले तक यूरोप में स्त्रियों की तनख्वाह और पुरुष की तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर था। अभी 20 साल पहले तक कोई एक काम आप करो तो पुरुष को अगर $100 मिलेंगे तो स्त्री को वही काम करने के $30 ही मिलेंगे। क्यों? कहा जाएगा इसमें तो आत्मा नहीं है। और मुझे बहुत खराब लगता है ये कहते हुए कि यूरोप और अमेरिका में अभी 20 साल पहले तक 3 स्त्रियों की गवाही 1 पुरुष के बराबर होती थी। 3 स्त्री जो बात कहेंगी 1 पुरुष वो कहेगा, ये बराबर माना जाता था। ये उनकी सभ्यता है, ये उनका दर्शन है। अब ये सभ्यता और ये दर्शन लेकर टीबी मैकॉले भारत आया। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सब आपको भूमिका बनाने के लिए कहा क्योंकि टीबी मैकॉले किस समाज का आदमी था? पश्चिम का आदमी था, ब्रिटेन का आदमी था। वो लेविनिट्स को भगवान मानते हैं, वो देकार्ते को भगवान मानते हैं, वो अरस्तु को भगवान मानते हैं, वो सुकरात को भगवान मानते हैं। उन्हीं देशों से आया मैकॉले, तो उसकी मानसिकता भी वही थी, स्त्रियों के विरोध में। और आया तो पूरी शिक्षा व्यवस्था उसने ऐसी डिजाइन की जो 100% स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है, स्त्रियों को हतोत्साहित करने वाली है और स्त्रियों को अपमानित करने वाली है। हर खंड खंड पर आप देखेंगे इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों का जितना अपमान होता है शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वही शिक्षा व्यवस्था हम ढोते हुए चले आ रहे। हमारे देश का दर्शन है, हमारे देश की सभ्यता है कि स्त्री सबसे बड़ी गुरु होती है, मां सबसे बड़ी गुरु होती है। हमारे देश का दर्शन है और सभ्यता है। मैंने स्वामी जी एक जगह पढ़ा, भारतीय दर्शन पढ़ रहा था तो नाम भूल गया हूं दर्शन शास्त्री का, याद आएगा तो बताऊंगा। उसने एक वाक्य लिखा, स्त्री से ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई नहीं होता। और उस दर्शन शास्त्री ने यहां तक लिखा है कि पुरुष में पवित्रता तब आती है जब वो स्त्री की कोख से जन्म लेता है, अन्यथा उसमें पवित्रता नहीं होती है। और यही बात उसने पति के लिए लिखी कि जब कोई कुंवारा लड़का शादी करता है तब पवित्रता के थोड़े से अंश को पहचान पाता है। आपको मालूम है हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर यह सिद्धांत अभी भी लागू है, अगर आपके पास आपकी धर्मपत्नी नहीं है तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते आप। ऐसे भारत में मंदिर हैं और वो भारतीय दर्शन पर चलते हैं, वो कहते हैं आप पवित्र नहीं है अगर आपके साथ आपकी पत्नी नहीं है। क्योंकि कहा यह जाता है कि पत्नी ना हो तो पुरुष का दिमाग कितना लंपट होता है उसका अंदाजा नहीं है, अगर वो योगी नहीं है तो। योगी है तो उसका अपना कंट्रोल है इंद्रियों पर, मन पर। योगी नहीं है तो वो पता नहीं कहां कहां जाएगा, कहां कहां मुंह मारेगा, चरेगा, खाएगा, कुछ मालूम नहीं। एक बात सीधी सी यही है इसमें तो, कि व्यक्ति जो है एक इंसान जिसको हम पुरुष कहते हैं, पुरुष कोई आसमान से तो गिरा नहीं, जितने भी पुरुष आए मां की कोख से आए, इसलिए पुरुष में जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी पवित्रताएं हैं, उनका स्रोत मां है, उनका मूल मां है। अब ये हमारी दर्शन है भारत की, इस दर्शन को यूरोप में कोई नहीं मानता, हम मानते हैं। तो हम जिस दर्शन को मानते हैं वैसी हमारी सभ्यता होगी और वैसी ही संस्कृति होगी। यूरोप वाले जिस दर्शन को मानते हैं वैसी उनकी सभ्यता होगी, वैसी संस्कृति होगी। तो यूरोप की सभ्यता और संस्कृति जैसी होगी वैसी ही उनकी शिक्षा भी होगी, और जैसी हमारी सभ्यता और संस्कृति होगी वैसी हमारी शिक्षा होगी। तो हम जब गुरुकुल की शिक्षा लेते थे, भारत की अपनी शिक्षा होती थी, तो उसमें स्त्री मां थी,
स्त्री दुर्गा थी, स्त्री हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत थी, महिला सारे के सारे काम का केंद्र बिंदु थी, ये गुरुकुलों की शिक्षा से दिखाई देता है। क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज हैं अंग्रेजों के जमाने के, इस देश में आधे से ज्यादा विश्वविद्यालयों की कुलपति महिलाएं थी, स्त्रियां थी आधे से ज्यादा, और विश्वविद्यालय स्तर के गुरुकुल थे। तो महिलाओं को हमारे यहां दर्जा है बहुत ऊंचे स्तर का, और महिलाओं को दर्जा है यूरोप में बहुत नीचे स्तर का। तो यूरोप के लोग जब शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन करेंगे तो महिला का स्तर उसमें नीचे से नीचा रहेगा, और हम जब शिक्षा की डिजाइनिंग करेंगे तो महिला का स्तर ऊंचे से ऊंचा रहेगा। तो यूरोप की शिक्षा व्यवस्था ले लेकर हम जो 250 साल से परेशान हुए हैं और हमारा दिमाग खराब हुआ है, वो दिमाग ऐसा ही खराब हुआ है कि स्त्री को आज हमारे देश में भोग की वस्तु, उपयोग की वस्तु बनाकर इस पूरी शिक्षा व्यवस्था ने छोड़ दिया है। आज हमारे देश में स्त्रियों का वही हश्र है जो यूरोप में 50 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि हम 200-250 साल से अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो हमें करना क्या, उसकी पवित्रता नष्ट कर रहे हैं जी, उसको पबों में लेना चाहते, ले जाना चाहते हैं, उसको जो है शराब खानों में ले जाते हैं, शराबी डांस घरों में ले जाते हैं। हमारे यहाँ मॉडर्न होने के नाम पर महिलाओं को यही तो कर रहे हैं ना, उनको नचाते। हमने स्त्री को मान लिया नाचने की चीज, पहले नाचने वालियों को सबसे घटिया मानते थे, और आज कोई नाचने वाली आ जाए तो पूरा गांव, पूरा देश पागल हो जाता है, क्या तमाशा हो रहा है। गांव में नौटंकी आ जाए स्वामी जी तो सब काम छोड़ के इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं व्याख्यान देने किसी गांव में गया, नौटंकी वाले आए हुए, व्याख्यान सुनने कोई नहीं आया, सब नौटंकी में बैठे, और नौटंकी में इतनी गंदी गंदी बातें महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए कही जाती हैं और बोली जाती हैं कि कोई कान में रुई ठूस ले फिर भी तकलीफ हो उसको। तो हमने गड़बड़ कर दिया 250 साल दिमाग में। एक तो 250 साल सुनते रहे अपने बारे में गालियां, और फिर स्त्रियों के बारे में ये मान्यता जो मैकॉले की और यूरोप के दार्शनिकों की, और उसी मान्यता पर आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था। तो सारी शिक्षा व्यवस्था ने सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है तो हमारी महिलाओं को दिया है। मुझे सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ पता है किस बात की होती है, सबसे बड़ा दुख और तकलीफ मेरा क्या है कि मैंने जो पढ़ा वो मेरी मां को नहीं मालूम, और मेरी मां अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकती। आप सोचो किसी बेटे और मां के बीच में इतनी दूरी आ जाए कि उसका बेटा क्या पढ़ रहा है उसकी मां ना जानती हो, और मां बेटे को पढ़ा ना सकती हो, इससे बड़ी टूटन और खराब किसी भी समाज में क्या हो सकती है कोई चीज। हमारे देश में ज्यादातर माताओं का यही हाल है, उनके बच्चे बेटे या बेटी क्या पढ़ रहे हैं वो खुद नहीं पढ़ा सकती, इसलिए ट्यूटर रखना पड़ता है, और ट्यूटर क्या पढ़ा के जाता है, मां को कुछ नहीं आता है। क्यों? शिक्षा व्यवस्था से मां पूरी तरह से गायब है, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन ऐसे की गई है जिसमें मां का कोई रोल ही नहीं है। हम गुरुकुल की शिक्षा में सबसे बड़ा गुरु मां को मानते हैं, और यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था टीवी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा गुरु मैकॉले हो गया, मां नहीं है। और वो मैकॉले हो गया जो मानता ही नहीं है कि मां में कोई आत्मा भी होती है, वो तो वस्तु है यूज एंड थ्रो के लिए। तो ये एक छोटी सी बात मैंने थोड़ा विस्तार करके कही कि हमको हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलनी है तो क्या क्या बदलना है। भाषा बदलनी है, वो तो स्वामी जी ने कहा, भाषा के साथ हमें कंटेंट बदलना है, टेक्स्ट बदलना है जो मां विरोधी है, स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं